हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ 8 टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं समय बचाते हुए। तो यहाँ पे मेरे पास एक हैंगर है जो मैं चूड़ी के बनाई हुई हूँ, और इसमें हम बेल्ट को लगा देंगे जिससे सुबह में बच्चे को आसानी से मिल जाए। और यहाँ पे है टाई, और फिर यहाँ पे मास्क। तो सभी चीज़ों को हम एक हैंगर में पिनअप करके और रख सकते हैं, और सुबह देखिए आसानी से फटाफट मिल जाएंगे, तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और समय भी की बचत होगी। तो ये टिप आप ज़रूर अपनाएं। चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो यहाँ पे है बेल्ट, जो बच्चे अक्सर गलतफहमी में रहते हैं कि है ये किसका है किसका नहीं। तो इसके लिए हम लेंगे, यहाँ पे लिखे हैं बॉय और यहाँ पे गर्ल। तो अगले टिप के तरफ चलते हैं। यहाँ पे झोला झाड़ने वाला है जो बहुत गंदा हो चुका है, और ये साफ करने के लिए मैं एक ब्रश ली हूँ। ब्रश लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे कुछ इस तरह से, और आपको दिखाते हैं कि ये एकदम न्यू की तरह न्यू हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट कैसे होगा। आप देख सकते हैं एकदम दुकान जैसा लग रहा है कि अभी खरीद के आया हुआ है, और कचरा अलग हो चुका, और ये बहुत बेटर है। तो चलते हैं अगली ट्रिप की तरफ। यहाँ पे कैंची है, तेल है, कैंची का काम ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम कॉटन कपड़ा लेंगे और फिर मशीन का तेल लेंगे। पहले इसकी अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं हम, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम इसका शान कैसे बढ़ाए, मतलब तेज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पिन लेंगे। पिन लेने के बाद हम इसे इस तरह से इसका शान को तेज़ कर सकते हैं, वो भी आसानी से घर बैठे। तो अगले टिप की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे है घी, जो घी ख़राब हो जाता है, स्मेल आने लगता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा टिप्स है। कुछ हम 4-5 लौंग डाल देंगे, और ये घी हमेशा ताज़ा रहेगा और फ्रेश रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलते हैं फिर अगले टिप की तरफ। यहाँ पे है माचिस, जो ठंडी में हमेशा नमी की तरह हो जाता है और ये जलता नहीं है। तो हमने यहाँ पे कुछ चावल ले लिया है और उसमें डाल देंगे, और जितने भी नमी रहेगा वो माचिस चावल सोख लेगा और माचिस जलने लगेगा। यहाँ पे है अगले ट्रिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तेल है, जो हम निकालते हैं तो ज़्यादा गिर जाता है, तो यह ना गिरे इसके लिए मेरे पास जो बोतल है आपको दिखा सकते हैं, इस तरह का बोतल इस्तेमाल करें। यह तेल ज़्यादा नहीं निकलता है, आराम से गिरता है, जितना ज़रूरत रहे उतना हम इससे ले सकते हैं, और ये लंबे समय तक चलेगा। ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाएं, और इससे हम आसानी से जितना ज़रूरत हो उतना ले सकते हैं। चलते हैं अगले ट्रिप के पास। हम लोग के पास बच्चों के हस्बैंड तो ज़्यादा रहता है घर में, बहुत चारों तरफ बच्चे फैलाए रहते हैं, तो हम सभी को एक बॉक्स लेंगे और सभी को उसी में रख लेंगे। रखने से और ये फ़ायदा होता है कि हमें इकट्ठे मिल जाते हैं, जब भी को लगाना हो तो जो चाहें इसमें से निकालें और फिर हम लगा लेते हैं। तो ये है, हमने थैले में रख लिया है। थैले को हम एक हैंगर में लगा देंगे, और जब ज़रूरत होगा तो हम निकाल लेंगे। चलते हैं अगले टिप की तरफ। अब यहाँ पे है टेप, जो हम ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है, इसमें चिपका रहता है, तो इसके लिए हम न्यू ट्रिक लेके आए हैं। यहाँ पे है एक धागा जो इसमें हम लगा देंगे तो यह आसानी से मिल जाएगा, और ये ब्लैक है, हमें दिखाई भी देगा। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब।